जहाँ आप सोच रही हैं वो वहाँ नहीं है, क्योंकि वो यही है। वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं और होना चाहिए। बस इससे अधिक मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे भी अब तक इतना ही समझ आया है। शारदा, हमें तुम पर दया आ रही है। एक सास है जो कुछ बोलती नहीं है, और एक भाई है जो जाने क्या क्या बोलता जा रहा है। ये तो नहीं पता कि क्या बोला, लेकिन जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। अम्मा कह रही हैं कि ये रामा का ही घर है। रामा यहाँ पर नहीं है, परंतु रामा की यादें अभी भी इसी घर में हैं। यही इसका भाई कहना चाहता है, अर्थात मेरा भाई कहना चाहता है। नहीं नहीं, मैं तो ये अच्छा, तो फिर अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, आपको भास्कर के साथ खेलना था ना, रुकिए हम उसके खिलौने अभी लेकर आते हैं। नहीं, आज का कार्य तो हो गया। हमारा आशय है कि हमें एक अति आवश्यक कार्य याद आ गया है, हमें जाना होगा। लेकिन आप खिलौने की चिंता ना करें, हम आते रहेंगे ऐसे खिलाने। चलते हैं। मुझे ये गुरु माता और गुरु बहन दोनों समझ नहीं आई। मुझे खिलाने आई और फिर खिला कर भी नहीं गई। लगता है आज मुझे शारदा ने अच्छे से नहीं नहलाया। रामा, जिनका भाग्य खराब चल रहा होता है उनका भाग्य भी कभी कभी साथ दे देता है, जैसे तेरे भाग्य ने तुझे अभी बचा लिया। हाँ बंधु, ये बिना कारण के आई और बहाना बनाकर चली भी गई। मुझे तो संदेह हो रहा है, कहीं इसके पीछे गुरुवर का हाथ तो नहीं है। करना क्या है, और लड्डू लेकर आओ और अम्मा को खिलाओ, बेदर्द ठीक हो जाएगा, है ना अम्मा? मैं लेकर आता हूँ अभी। अरे ये गधे को मार, कहाँ गया? चुपचाप यहीं रहो, यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। अरे शारदा, तुम क्या देख रही हो, जाकर चूरन लेके आओ, इनके पेट में दर्द हो रहे हैं। आओ 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 आओ, आराम से बैठो यहाँ बैठो। कितनी बार कहा है इतने सारे लड्डू मत खाया करो। लो लो ये लो, चूरन खाओ। अरे चूरन खाओ, इससे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अम्मा खाओ। अम्मा, चूरन को चूरन की तरह ही खाते हैं, भोजन समझकर उस पर टूट नहीं पड़ते। सही परिणाम चाहिए तो चूरन को चूरन की मात्रा में खाओ ना। ये खाओ खाओ खाओ, खाओ चूरन। प्रणाम महाराज, विजयनगर के पड़ोसी राजा विश्वेश्वर राव ने आपके लिए कुछ उपहार भेजे हैं। राजा विश्वेश्वर राव जी की तरफ से उपहार? उपहार में मानव स्वरूप दो पुतले भेंट किए गए हैं। महाराज, हमारे पड़ोसी राजा विश्वेश्वर राव जी पूर्व में विजयनगर के विरुद्ध हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। ये कभी भी हमारे विश्वास पात्र नहीं रहे हैं महाराज। जी महामंत्री जी, हम भी यही विचार कर रहे थे कि राजा विश्वेश्वर राव जी हमारे लिए उपहार भेजेंगे, क्यों? ये बड़े संशय का विषय है महाराज। यदि हमें हमारे पड़ोसी राज्य की मंशा और उद्देश्य की स्पष्टता न हो तो हमें उनसे कोई भी उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अतः हमें ये उपहार उन्हें वापस लौटा देने चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपकी अनुमति से हम इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य गुरु, कहिए।
महाराज, हमारे पड़ोसी राजा ने आपके सम्मान में उपहार भेजा है और यदि हम उपहार लौटाएंगे तो राजा विश्वेश्वर राव जी की उस भावना का उपहास होगा जिस भावना से उन्होंने आपके समक्ष मित्रता का हाथ बढ़ाया है। महाराज, ये अवसर है शत्रुता को मित्रता में बदलने का। आज मित्रता होगी, कल संधि होगी और फिर आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ खड़े होने वाले कंधों में एक कंधा राजा विश्वेश्वर राव जी का भी होगा। हमारी सलाह है कि उपहार स्वीकार किया जाए। परंतु गुरुवर, हम ये गुरुवर का कथन सत्य है मामती। गुरुवर, हम आपकी सलाह स्वीकार करते हैं और वो उपहार भी स्वीकार करते हैं। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, उन पुतलों को भीतर लाने की अनुमति दी जाए। देख धनी, देख। मानो रूपी पुतला। वाह 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 वाह। महाराज कृष्णदेव राय को प्रणाम। राजा विश्वेश्वर राव जी ने आपको आदर पूर्वक ये भेंट किया है। ये अत्यंत ही नायाब और कीमती पुतले हैं। आशा है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। महाराज, देखा आपने, हमें पहले से ही पूर्वाभास था और हमारा पूर्वाभास बिल्कुल सही था। एक पुतले के हाथ में पीला फूल और दूसरे पुतले के हाथ में सफेद फूल। पीला रंग यानी मित्रता और सफेद रंग यानी शांति का प्रतीक। तो महाराज, राजा विश्वेश्वर राव जी का संदेश मित्रता का ही है। अद्भुत, राजा विश्वेश्वर राव जी का ये अद्भुत तोहफा हम स्वीकार करते हैं। इन दोनों पुतलों को राज दरबार में स्थापित किया जाए और राज दरबार की शोभा बढ़ाई जाए। और महामंत्री जी, राजा विश्वेश्वर राव जी के लिए एक विशेष धन्यवाद पत्र लिखा जाए। अवश्य महाराज। जी गुरुजी। ये माहौल देखकर तुम्हें कुछ याद आया, कुछ समझ में आया तुम्हें? महाराज हमारी सुन रहे हैं, अभी तू हमारी बात भी मान रहे हैं। बस अब पंडित रामकृष्णा को पकड़वाकर उसे सदैव के लिए देश निकाला दिलवाएंगे और पुनः विजयनगर पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। अभी नहीं गुरुजी, अभी नहीं। आपको पता नहीं है क्या, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। मतलब? गुरुजी मतलब ये कि आपको अच्छे से पुष्टि कर लेनी चाहिए कि पंडित रामकृष्ण विजयनगर में हैं। ये आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। बैठो बैठो बैठो। अम्मा ये लो, ये वाली औषधि पियो पियो, सब ठीक हो जाएगा। पियो पियो, अच्छी निद्रा भी आएगी। हाँ, कड़वा है शारदा। अब अम्मा को गहरी निद्रा आएगी, तुम इनका तकिया और चादर यहीं ले आओ, हम इन्हें यहीं सुला देंगे। हाँ जी। अम्मा आओ आओ, इधर लेटो। इनकी औषधि की मात्रा दुगनी कर दी है, अभी कल दोपहर से पहले नहीं उठेंगे। पता नहीं क्यों आजकल मेरी परछाई से अधिक संकट मेरे पीछे पड़े रहते हैं। संकट से याद आया, गोविंद कहाँ है? कहाँ है? बाहर बैठे। बाहर क्या कर रहा है? उसे कहो अधिक बाहर ना रहे, अंदर आकर सो जाए। कहो। जा रहे। कितने दिनों के बाद वो दिन आया है जब दरबार में आई गुत्थी को हमने यूं गुत कर मसल कर हल कर दिया और पुरस्कार पर अपना नाम अंकित कर दिया। ये सब स्वयं हमने किया, हमने। हाँ हाँ गुरुजी, क्योंकि आपको चाहे हो ना हो पर हमें आप पर पूरा विश्वास है।
अब देखो हम क्या करते हैं। आज के पश्चात हम दरबार जाते समय दो और दरबार से आते समय दो समस्याएं सुलझाएंगे, जिससे हम पर होगी पुरस्कारों की वर्षा और जिसकी कुछ बूंदे हम सौदामिनी देवी के घर पर गिरा देंगे और हम बन जाएंगे राजगुरु। ये क्या गुरु जी, आप भूल गए? आप तो पहले से ही राजगुरु हैं। हम जानते हैं कि हम राजगुरु हैं, परंतु हमारा कहने का तात्पर्य है कि अब समय आ गया है महान महा 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 राजगुरु बनने का। बस आज के पश्चात हम जो कुछ भी करेंगे वो इतिहास बन जाएगा। गुरु जी, आप चाहे सपनों में कितनी भी लंबी उड़ान भर लीजिए, किंतु वास्तविकता तो ये है कि जब तक पंडित रामाकृष्ण है तब तक आप केवल और केवल अपने सपनों में ही खुश हो सकते हैं। पंडित रामाकृष्ण को देश निकाला दिया गया है, वो भी 3 माह का। 3 माह तो यूं भी जाएंगे गुरुजी, उसके बाद आपको ना जाने कहां कहां से निकाला जाएगा गुरुजी। अरे मूर्खो, जिसे उसकी भाग्य रेखाएं स्वयं मार्ग दिखाए, कोई उसका क्या बिगाड़ पाए। और हमारी भाग्य रेखा है हमारी प्राण प्यारी, हमारी बहना अनंत लक्ष्मी। जब उसने विजयनगर के लिए पहला कदम उठाया तो क्या हुआ? क्या हुआ? पंडित रामाकृष्ण को देश निकाला। और जब वो यहाँ आई तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमें पुरस्कार मिला है? अब तो सौभाग्य का वास हमारे घर पर है। क्या हो, तुम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं गुरुजी। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। ये क्या है? स्वर्ण मुद्राएं। ये स्वर्ण मुद्राएं। अब एक कार्य करो, हमारे नेत्र पर पट्टी बांध दो और इससे पोटली को कहीं छुपा दो। उसके पश्चात 1 से 10 तक गिनो। यदि 1 से 10 के मध्य हम इस पोटली को नहीं खोज पाए तो फिर ये पोटली तुम्हारी। अभी नहीं, पहले हमारी आंख पर पट्टी बांधो। बांधन पट्टी बांध जल्दी जल्दी बांध पट्टी। बांध दिया गुरुजी पट्टी। ठीक, अब पोटली को छुपा दो। छुपा दिया। हाँ गुरुजी, मैंने पोटली को छुपा दिया है, अब ढूंढ के दिखाओ। दो, अब तो विश्वास हो गया ना तुम्हें? है, हो गया विश्वास गुरुजी। कैसे क्यों? पंडित रामाकृष्ण, हम जानते हैं पंडित रामाकृष्ण विजयनगर में ही है, और इतना बड़ा अवसर तो हमें अखंड तपस्या करके भी नहीं मिलता जो पंडित रामाकृष्ण की एक भूल ने हमें दे दिया। धनी मनी, चलो अभी इसी समय पंडित रामाकृष्ण को दबोचते हैं, शोर मचाकर सबको जगाते हैं, रातों रात आपातकालीन दरबार बुलाते हैं, पंडित रामाकृष्ण के लिए विजयनगर का सूर्य सदैव सदैव के लिए डुबाते हैं और इस सोई हुई रात्रि में हम अपना भविष्य बनाते हैं। पंडित रामाकृष्ण, अब तो देख। ये आचार्य और उनके दलदल में डूबे हुए दल मेरे घर में चोरी करने आए हैं, या फिर मेरे बापू को पकड़वा कर मेरे भविष्य की खुशियाँ चुराने आए हैं? ये पंडित रामाकृष्ण अपने कक्ष में होगा, परंतु इस रात में उसका कक्ष कहाँ होगा? अरे गुरुजी, उधर ही होगा जिधर दिन में होता है, उधर। पता है, आओ।
कौन है? अरे ये तो वही है जो दोपहर को मुझे खिलाने आई थी। ये हो क्या रहा है यहाँ? हमारे अतिरिक्त और भी यहाँ कोई आया है क्या? हमें किसी की आहट सुनाई दी। गुरु जी मुझे तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको सुनाई कैसे दे रहा है? गुरु जी आपको अपनी आँख सुनाई दे रही होगी। चल चल चुप चुप, आवाज मत करो अकल के अंधो, आवाज मत करो अन्यथा पंडित रामकृष्ण के स्थान पर हम पकड़े जाएंगे। आओ। किसी और की प्रतीक्षा में सो रहे थे? नहीं मैं तो नींद में सो रहा था। वो वाह है, वाह। वो बालक? हाँ, तुमने तो कहा था ना कि तुम भास्कर को खिलाने बाद में फिर आओगी। हम उससे नहीं तुमसे मिलने आए हैं। चलो हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पर अभी क्यों? रात को किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, चलो ना। नहीं 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 आप कितनी बार और हमें बचाएंगे? पता नहीं अब तक दो बार हो चुका है। पर तुम ना गिरती क्यों रहती हो? ये तो हमें भी नहीं पता। अब हम तो तुम्हारा धन्यवाद करने आए थे हमें बचाने के लिए। इतनी रात को? कल भी तो आ सकते थे ना। दो व्यक्तियों की आवाजें आ रही। गुरुजी प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण और उसकी पत्नी आपके विरुद्ध योजना बना रहे हैं। अरे मूर्खो, आप तो पूजनीय गुरुजी हैं, मूर्ख तो ये है, है? आवाज अंदर से नहीं उस तरफ से आ रही है। अर्थात पंडित रामकृष्ण वही है। लगता है कोई जाग गया। हम दोनों कहीं छिप जाते हैं, चलो। का? चलो। इमा, सबसे बचकर तो अपने घर में छुपा था, यहाँ तो बाहर गुरुवार आ गए। अब क्या करूँ, कहाँ भागूँ? ये कैसी आवाज है? इसे रात में भी चैन नहीं, कभी इधर घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। गुरु जी पंडित रामकृष्ण को पकड़ना है या आवाज को? पंडित रामकृष्ण को पकड़ना है तो इधर चलिए, इधर। शादा, शादा। क्या है? गुरु भाई। हमारा घर है क्या? हमारा घर है क्या? धर्मशाला? कभी भी कोई भी आ जाता अष्टमस गुरुवर की। ओ मेरी शेरनी, रुको रुको रुको, इस तरह गुरुवर को नहीं पकड़ा जा सकता। कुछ और सोचना होगा, कुछ और सोचना होगा, कुछ और सोचना होगा, कुछ और सोचना होगा।